Hey guys, what's going on everyone? Welcome back to another video of Watch Realm. तो गाइस जैसे कि मैंने बोला था थॉर लव एंड थंडर का सेकंड ट्रेलर आ गया है एंड बहुत सी नई चीजों के साथ साथ क्रिस्टन बेल के गौर का भी फर्स्ट लुक मिला जो कि मुझे तो अमेजिंग लगा। सो इस वीडियो में हम इस पूरे सेकंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस ट्रेलर स्टार्ट होता है इंडिगर नाम के प्लेनेट में जिसको हमने फर्स्ट ट्रेलर में भी देखा था एंड यहां शायद थॉर गार्डियंस के साथ किसी से लड़ने आए होंगे और यहां पे उन्होंने अपना मेडिटेशन चालू कर दिया होगा अपने इनर सेल्फ को पूरी तरह जानने के लिए। और गाइस सेकंड भी यहां से स्टार्ट होता है जहां कॉर्ग इंडिगार के बच्चों को थॉर की कहानी सुनाता है एंड पीछे हम वो पेड़ भी देख सकते हैं जिसके नीचे थॉर बैठ के मेडिटेट कर रहा है। देन हमें एस्गार्ड का एक और ग्लिम्स देखने मिलता है जिससे ये पता चल रहा है कि एस्गार्ड अर्थ का एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस बन गया है और इसमें हमें थॉर का एक बढ़िया रेवेंजर लुक से थॉर के लुक का ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है जो कि एब्सोल्युटली सिक था एंड आई थिंक ये सीन एग्जैक्टली आफ्टर गार्डियंस के थॉर को छोड़ने के बाद होगा। फिर हम देखते हैं कि एंड गेम के बाद थॉर का न्यू चैप्टर कैसे शुरू हुआ, लाइक वो कैसे गार्डियंस के साथ कुछ समय रहा, देन वो सेफ में आने के लिए एक्सट्रीम वर्कआउट भी करने लगा एंड वो फाइनली डेड बॉड से अपने पुराने इवन बेटर गॉड बॉड में आ गया। एंड उसके बाद जब सब नॉर्मल हो जाता है तो ड्यूरिंग दिस पीरियड उसे एक बहुत बड़ा शॉक मिलता है जब वो जेन फॉस्टर को थॉर के रूप में देखता है एंड वो भी 8 साल 7 महीने एंड 6 दिन के बाद। एंड ड्यूरिंग दिस हमें थॉर के बैटल आर्मर के हेलमेट का भी फर्स्ट लुक मिलता है। देन हमें माइटी थॉर वैल्किरीज की तरह एक एरागॉर्न राइड करते हुए दिखती है जो कि शायद मूवी के एंड का होगा क्योंकि कॉमिक्स में भी जेन फॉस्टर कैंसर से मरने के बाद थॉर उन्हें वापस ले आता है बट इस बार वो थॉर नहीं बल्कि एक वैल्किरी होती है। सो मे बी मूवी में भी ऐसा होगा और वो एक वैल्किरी बनेंगी। देन हमें कुछ मार्वल एंटिटीज के स्टैचूज देखने मिलते हैं लाइक द वॉचर का, द लिविंग ट्रिब्यूनल का, लेडी डेथ का, डेस्टिनी का एंड शायद बीच वाला स्टैचू इयोन का हो सकता है। देन हम देखते हैं कि थॉर माइटी थॉर वैल्किरी एंड कॉर्ग सारे ओलंपिया गए हैं एंड इसका रीजन हो सकता है कि शायद ज्यूस ने ही इन्हें इनवाइट किया होगा और आइदर वो ज्यूस को गौर के लिए वार्न करने गए होंगे। देन हमें द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेलर और देखने मिलता है एंड गाइस इसके सराउंडिंग्स मुझे बढ़िया लगे लाइक ग्रे ब्लैक लाइक एक वॉइड की तरह एंड गौर तो भाई अमेजिंग दिख ही रहा था एंड क्रिस्टन बेल भी हर रोल की तरह इस रोल को भी स्ले कर रहे हैं। देन वो अपना कॉमिक एक्यूरेट लाइन बोलते हैं जहां वो कहते हैं कि गॉड्स बस अपने बारे में सोचते हैं एंड वो ओथ लेते हैं कि वो सारे गॉड्स को मार के ही रहेंगे। एंड गाइस इसका इफेक्ट भी हमने देखा लाइक हमने फैलीगर द बिहेमथ को देखा एंड आई थिंक यही फर्स्ट टाइम होगा जब थॉर डिस्कवर करेंगे कि कोई पूरे यूनिवर्स में एक एक करके सारे गॉड्स को मार रहा है एंड वो एक्सट्रीमली पावरफुल है एंड यहाँ से वो सारे गॉड्स को वार्न करने चले जाएंगे। एंड गॉड्स को मारने की बात हुई तो गाइस शायद हमने गॉड बॉम्ब का भी एक ग्लिम्प्स देखा एंड गाइस गॉड बॉम्ब गॉड का तैयार किया हुआ एक ऐसा बॉम्ब है जिससे वो सारे गॉड्स को अक्रॉस टाइम एंड स्पेस एक ही बार में मार सकता है एंड यही गॉड का मेन मिशन होगा मूवी में कि गॉड बॉम्ब को बनाना एंड सारे गॉड्स का नामो निशान ही मिटा देना। एंड गाइस आपको अगर पता ना हो कि गॉर ऐसा क्यों कर रहा है तो मैं बता दूं कि गौर का होम प्लैनेट एक बंजर प्लैनेट था जहाँ पे हर टाइम डेलाइट होती थी एंड इसलिए यहाँ पे पानी की बहुत कमी थी एंड यहाँ के लोग गॉड्स पे बहुत बिलीव करते थे कि एक दिन तो उनका सारा पेन एंड स्ट्रगल चला जाएगा बट आज ये प्लैनेट सुइटेबल फॉर लिविंग नहीं था तो यहाँ के लोगों का हर रोज मरना बहुत नॉर्मल था। एंड ऐसे ही कुछ नेचुरल कॉजेस के लिए गौर की फैमिली भी एक दिन मर गई। सो गौर को बहुत गुस्सा आया एंड उसने अपने पूरे ट्राइब के आगे ये बोल दिया कि गॉड्स एग्जिस्ट नहीं करते एंड ये कि उसके ट्राइब ने उसको बैनिश कर दिया। एंड गाइस ड्यूरिंग इस बैनिशमेंट एक दिन ऐसा होता है कि आसमान से दो गॉड्स गिरते हैं जिनमें से एक होता है सिम्बियोट गॉड नल एंड दूसरा भी एक गोल्डन आर्मर्ड गॉड होता है। सो इन्हें देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि गॉड्स ऑल द टाइम एग्जिस्ट करते थे बट उनकी कभी भी हेल्प नहीं की और उसकी फैमिली को मरने दिया और ये उसे और भी गुस्सा दिला देता है। एंड देन उसी टाइम नल का वो नेक्रोसॉर्ड नल को छोड़कर गॉड से कंबाइन हो जाता है एंड देन गॉड उसी स्वॉर्ड को ही यूज करके उस गोल्डन गॉड को मार देता है एंड एक वाव लेता है कि वो यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मार देगा। एंड गाइस मूवी में भी हमें ऐसा ही देखने मिलेगा। देन हमें थॉर का चैरियट भी देखने मिलता है जिसे थॉर के दो गोट्स यानी टूथ ग्नेसर एंड टूथ ग्राइंडर भगा रहे हैं एंड इसी से ही थॉर
थॉर एंड उनके दोस्त मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम रियल्म टू रियल्म, देन हमें माइटी थॉर के म्यूनीर का भी एक बढ़िया सीन देखने मिलता है जहां वो अटैक करती हैं एंड पूरा म्यूनीर स्कैटर होके हिट करता है एंड गाइस सही में ये क्रिएटिव था। देन हमें गौर के रैथ एंड पावर का एक सिंपल एग्जांपल देखने मिलता है जहां वो एक छोटे से प्लैनेट को अपने नेक्रोसवॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है। देन गाइस हम कुछ सेकंड्स के लिए गौर वर्सेस थॉर एंड गौर वर्सेस वैल्क्री को भी देखते हैं एंड गाइस ये मुझे कोई गौर का अपना वॉइड लग रहा है या तो शायद ये नेक्रोवर्स भी हो सकता है जहां पे वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। एंड गाइस यहां पे गौर वर्सेस वैल्क्री में हमने वैल्क्री को ज्यूस का लाइटनिंग बोल्ट यूज करते हुए देखा, सो आई थिंक गौर के ज्यूस को मारने के बाद ज्यूस ने ये वैल्क्री को दिया होगा एंड यहां पे वैल्क्री ज्यूस का बदला लेना चाहती है। एंड ड्यूरिंग दिस गौर एंड थॉर के बीच एक छोटा सा कन्वर्सेशन सुनने मिलता है जिसमें गौर थॉर को कहता है कि तुम दूसरे गौर जैसे नहीं हो और थॉर कहता है क्योंकि आई हैव समथिंग दैट इज वर्थ फाइटिंग फॉर। एंड गाइस मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है कि इन द एंड थॉर एंड गौर के बीच एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्डअप होगा जो देखने में मजा आएगा। देन इन द एंड टाइका वाइटीटी ने अपना एक सिग्नेचर मूव भी घुसाया है जहां हमें एक फनी सीन देखने मिलता है रसेल क्रो के ज्यूस के साथ। एंड गाइस यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो थॉर के बैक में एक लोकी के हेलमेट का टैटू भी बना हुआ है एंड ये बता रहा है कि वो लोकी को कितना मिस करता है एंड होपफुली वो आगे जाके उससे मिलेगा। तो गाइस दैट्स द ब्रेकडाउन फॉर थॉर लव एंड थंडर ट्रेलर। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड आगे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज एंड ब्रेकडाउन के लिए चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दें। एंड विद दैट बीइंग सेड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।